बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। इस शो में हम आपको बताते हैं बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या हो आपकी स्ट्रेटजी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ स्वाति रायना और मेरे साथ आपके कल की तैयारी कराने के लिए जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आज हमारे खास मेहमान जो हमारे साथ हैं वो है प्रॉफिटमार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम रुक करते हैं हमारे आज के खास मेहमान अविनाश गोरक्षकर का। अविनाश जी, यही बार बार बात हो रही थी कि बजट का जो एक हैंगओवर था वो हमने धीरे धीरे देखा, अब थोड़ा थोड़ा खत्म हो रहा है। अब दूसरे दिन लगातार तेजी देखने को मिल रही है मार्केट में, सभी सेक्टर्स में जमकर खरीदारी हुई है। मतलब बजट के दिन जो एक सेक्टर्स पर हम दबाव देख रहे थे वो उसमें रिकवरी है, कहां पर कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा बुलिश हैं आप? मुझे लग रहा है कि बजट में आपने सही कहा कि बजट वाले दिन पे मार्केट्स ने थोड़ा ज़्यादा ओवर रिएक्शन दिया, इसलिए बाजार में काफ़ी बिकवाली देखने को मिली। लेकिन मुझे लग रहा है कि आज मार्केट्स में थोड़ा बहुत बजट को एनालाइज करके देखा है तो रूरल रिलेटेड जो सेक्टर्स है वहाँ पे बहुत ही अच्छे अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट किए हैं। हमको लग रहा है कि जो एग्री रिलेटेड सेक्टर्स है, स्पेशली एग्रोकेमिकल्स है, ट्रैक्टर सेगमेंट है और टिपिकली जो हाउसिंग और यू नो वाटर रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स वाली कंपनियां हैं वहाँ पे डेफिनेटली निवेश के मौके काफी है। और मुझे लग रहा है कि ऐसे मार्केट्स में यू नो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि मार्केट्स में जिस प्रकार की आज तेजी आई है, हो सकता है कि कल थोड़ी सी और तेजी चले, लेकिन आरबीआई की पॉलिसी के आगे थोड़ा बहुत मार्केट्स कंसोलिडेट हो तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये जो माहौल है पॉजिटिविटी का आगे भी चलता रहेगा, बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ओके, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी यहां पर अब ज्यादा देखने को मिलेगी, ऐसा अविनाश जी कह रहे हैं। अविनाश जी, आपके पास एक बार फिर से आएंगे, इम्पैक्ट पड़ेगा। अविनाश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका कॉन्फिडेंस कहाँ है, जिन जिन शेयरों की बात की दीपांशु ने अभी, वहां पर कोई पसंदीदा पिक जहां पर खरीदारी की सलाह देंगे? मुझे लग रहा है कि जो सबसे बेहतरीन सेक्टर है जो कंज्यूमर रिलेटेड है वो पेंट सेक्टर रहेगा। हमको लग रहा है कि एशियन पेंट्स, बजर पेंट्स, ये दोनों ही कंपनीज को क्रूड के कीमतों के कटाई से काफ़ी बेनिफिट होगा। प्लस हम समझते हैं कि जो भी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है इनके लिए जीआरएम्स बढ़ेंगे, तो अगर बेहतर चॉइस किसी को करना है तो मैं समझता हूँ कि बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स अभी भी खरीदने के मौके हैं, क्योंकि इसका जो बेनिफिट आएगा वो हमको लग रहा है आने वाले क्वार्टर में इनको रिफ्लेक्ट होगा। हालांकि ये क्वार्टर अभी खत्म हो चुका है, बट अप्रैल टू जून का क्वार्टर अगले साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि काफी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। ओके, तो कच्चे तेल की गिरावट से जो कॉन्फिडेंस यहां पर अविनाश जी दिखा रहे हैं वो है पेंट सेगमेंट में और खासतौर पर बर्जर और एशियन पेंट में वो खास ध्यान रखने की सलाह दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर बर्जर पेंट्स के नतीजों का अनुमान अच्छा ही लग रहा है। अविनाश जी, बर्जर पेंट्स पर तो आप अपना कॉन्फिडेंस जता चुके हैं, एचपीसीएल के आने वाले नतीजों पर आपकी क्या राय है, खरीदारी की सलाह करेंगे? मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में डेफिनेटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में एचपीसीएल में भी डेफिनेटली पॉजिटिव वाइब्रेंसी आने की उम्मीद है। हालांकि ये नतीजे मार्केट्स ने मोरलेस प्राइस में डिस्काउंट किए हैं, लेकिन अगर क्रूड के कीमतें अगर $54-55 कंटिन्यूसली रहते हैं तो मैं समझता हूँ कि मार्केट्स डेफिनेटली इस बात को लेकर डेफिनेटली इस पर पॉजिटिव रहना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अगर किसी को 6 से 12 महीने का अगर नजरिया लेना है तो डेफिनेटली एचपीसीएल में भी एक निवेश का मौका बनता है, तो डेफिनेटली अगर चॉइस किया जाए तो मैं समझता हूँ बीपीसीएल और एचपीसीएल दोनों ही अच्छे विकल्प हैं। बीपीसीएल, एचपीसीएल, 6 से 12 महीने के तौर पर एचपीसीएल इनफैक्ट इसमें निवेश का मौका ढूंढ सकते हैं, अविनाश जी की राय है। नतीजों का सीजन तो है ही, लेकिन कल अगर इंट्राडे के तौर पर किसी को खरीदारी करनी हो अविनाश जी, तो आपकी फेवरेट पिक कौन सी होगी? इंट्राडे के लिए स्वाति, हमको आईटी स्पेस में टाटा एलेक्सी पसंद है। हमको लग रहा है कि स्टॉक ने एक अच्छा अप ट्रेंड दिखाया है। यहाँ पे हमारा जो इंट्राडे का टारगेट रहेगा वो 1068 रहेगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस करीबन 1010 का लगा के ये एक ट्रेड कल के लिए बन सकता है। तो टाटा एलेक्सी में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर, ये उनकी इंट्राडे पिक है। जी देवांशी, इनफैक्ट अगर हम कल के नतीजों से पहले थोड़ा परफॉर्मेंस देखें सिप्ला और डीवीज लैब दोनों का, तो सिप्ला में अविनाश जी आज सिप्ला का शेयर हल्की तेजी के साथ बंद हुआ और डीवीज लैब में हमने 0.5% की गिरावट देखी। दोनों में ही क्या करना चाहिए सिप्ला और डीवीज लैब में?
मुझे लग रहा है कि सिप्ला में डेफिनेटली एक निवेश का मौका है. हमको भी लग रहा है कि यूएस के मार्केट्स में अगर डबल डिजिट ग्रोथ आता है तो मार्केट्स को डेफिनेटली ये बात काफी पसंद आएगी, और ओवरऑल जो मैनेजमेंट की कमेंट्री रहेगी, जो डील पाइपलाइन रहेगी नए प्रोडक्ट्स की, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी. दिवीज की बात करें तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स ने अनुमान किया है कि इस क्वार्टर के नंबर खराब आएंगे क्योंकि एपीआई बिजनेस थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा. तो ओवरऑल जिनके पास डिवीज है वो होल्ड करे, फ्रेश निवेश की कोई राय नहीं है. लेकिन सिप्ला में डेफिनेटली अगर कोई शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए खरीदना चाहे तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड सिप्ला में बन सकता है. तो सिप्ला में खरीदारी की सलाह लगभग शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिहाज से, और डिवीज लैब में अगर है तो बने रहने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की. अविनाश जी, पोजिशनर और लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपके फेवरेट पिक जानेंगे हफ्ते भर की खरीदारी के लिए, क्योंकि अब मॉनेटरी पॉलिसी शुरू हो चुकी है, आज से मीटिंग शुरू हो गई है और आरबीआई पॉलिसी भी आने वाली है, उसके तहत आप कौन सा पिक सुझाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा आपकी फेवरेट पिक रहेगी? स्वाति, पोजिशनल के लिए हमको एस्कॉर्ट्स पसंद है. हमको लग रहा है कि एस्कॉर्ट्स में अगर एक हफ्ते का व्यू इन्वेस्टर्स लेते हैं तो करीबन 900 का टारगेट पॉसिबल है. यहाँ पे स्टॉप लॉस 820 का रखे, और लॉन्ग टर्म पिक जो नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स में अच्छी कर सकती है वो केईसी इंटरनेशनल है. हमको लग रहा है पावर और पावर ट्रांसमिशन स्पेस में ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है. कंपनी की करीबन 4,500 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और जो नतीजे 7 तारीख को आएंगे हमको लग रहा है बहुत ही बेहतरीन नतीजे आएंगे. तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी कोई खरीदना चाहे तो एक अच्छा मौका है. साल भर का टारगेट हमारा यहाँ पे करीबन 400 रुपया है. ओके, केईसी इंटरनेशनल में लॉन्ग टर्म के लिहाज से खरीदारी की सलाह अविनाश जी की. एस्कॉर्ट्स में अगर पोजिशनल खरीदारी की आप का नजरिया रखते हैं तो हफ्ते भर की खरीदारी कर सकते हैं एस्कॉर्ट्स में. अविनाश जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए. हमारे तमाम रिसर्च एनालिस्ट का आपका भी